Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is Rabia and hope you all are doing great. And other video and other product और आज की video एक requested video है. मतलब मेरी एक friend ने मुझे कहा था कि किसी अच्छी सी BB cream का review करो. And I said कि why not करना चाहिए. लेकिन problem ये थी कि इससे पहले मैंने कभी भी कोई BB cream use नहीं की थी. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते और आप उसे लेने के लिए जाते हो ना, तो काफ़ी हद तक shopkeepers आपको guide कर देते हैं, आपको चीज़ लेने में help out कर देते हैं. Sometime आपको misguide भी कर देते हैं अपनी चीज़ को sell out करने के लिए. लेकिन अच्छे दुकानदार ऐसा नहीं करते, क्योंकि दुकानदारों को पता होता है कि किस चीज़ की ज़्यादा सेल है, किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कस्टमर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं. तो उन्होंने मुझे एवलिन कॉस्मेटिक्स की वाइट प्रेस्टीज बीबी क्रीम जो है वो सजेस्ट की थी. एवलिन कॉस्मेटिक्स का एक अच्छा नाम है, तो इसलिए मैंने इनकी बीबी क्रीम को परचेज़ किया है. और आज तक मैंने इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स ली हैं सबके सब बहुत अच्छी थी, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है. तो इस बीबी क्रीम को मैं तकरीबन कोई 11-12 दिन से मुसलसल यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर रही हूँ. तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस बीबी क्रीम का रिव्यू करूँगी आप लोगों के साथ और इसके रिजल्ट्स के बारे में भी बताऊँगी. लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा. ओके, ये व्हाइट प्रेस्टीज 4D व्हाइटनिंग बीबी क्रीम है, मल्टी फंक्शनल है और ब्लमिश बेस होने के साथ साथ ऑल इन वन भी है. अच्छा जी, इसकी कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ. इसकी वैसे सारी बातें ही अच्छी हैं, लेकिन किसी भी बीबी क्रीम को या डे क्रीम को ख़रीदने से पहले आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि आप देखो कि इसके अंदर SPF ऐड है. तो इसके अंदर 15% SPF ऐड है. फिर ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है. और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है एंड अदर गुड पॉइंट. ये मतलब इसकी अच्छी बातें हैं. अच्छा जी, इसकी एक्सपायरी 6 मंथ की है, ये आप देख सकते हो. और इसकी जो कीमत है वो 1150 रुपये है. वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि एवलिन कॉस्मेटिक्स की बीबी क्रीम बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं इसको रीपरचेज भी करना चाहूँगी. ये एक ऑल इन वन बीबी क्रीम है, सिर्फ इसके ऊपर लिखा ही नहीं हुआ कि ये ऑल इन वन है. ये सचमुच ऑल इन वन है. मतलब जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को लाइटन अप कर देती है, आपके स्किन टोन को इवन आउट करती है, फिर स्किन के ऊपर जो इम्परफेक्शन है, डिसकलरेशन है, उसको रिड्यूस करती है, आपको नेचुरल ब्राइट लुक देती है, हेल्दी ग्लो आता है आपकी स्किन के ऊपर, किसी हद तक स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनकी विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है, ओपन पोर्स की विजिबिलिटी को भी रिड्यूस करती है. प्लस ये आपको UVA एंड UVB यानी कि सन एक्सपोजर से भी प्रोटेक्ट करती है. इस बीबी क्रीम में एडवांस्ड इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, जैसे कि लूमी स्किन आपकी मेलानियम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिसकलरेशन को कम करके स्किन को लाइटन अप करता है, न्यू स्पॉट्स की फॉर्मेशन को रोकता है, हाइलुरोनिक एसिड एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर में जाके वाटर को मेनटेन करता है, मतलब जिस हद तक हो सकता है स्किन को हाइड्रेट रखता है. फिर लिपोमोइस्ट का भी यही काम होता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना. सिल्क एक्सट्रैक्ट स्किन को स्मूथनेस देता है, सॉफ्टनेस देता है और एक्सट्रीमली रेजिलिएंट बनाता है. एलोवेरा जेल आपकी स्किन को फर्म करता है, स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और इरिटेशन के अगेंस्ट सूथ करता है. लेमन एक्सट्रैक्ट एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हार्मफुल एक्शन के अगेंस्ट स्किन को प्रोटेक्ट करता है, किसी हद तक वाइटनिंग कास्ट भी देता है. फिर इसके अंदर विटामिन ए है, ई है, एफ है, जो कि स्किन को डीपली नरिश करते हैं और रीजनरेशन का काम करते हैं. UVA और UVB के बारे में आपको पता ही है कि सन एक्सपोजर से आपको सेव रखते हैं. इस क्रीम को आप ऐसा प्राइमर यूज़ कर सकते हो, लाइट फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी डे केयर क्रीम के साथ भी आप इसको खुशी खुशी रिप्लेस कर सकते हो. अच्छा जी, इस क्रीम के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं वो आपकी स्किन के ग्रे टोन को न्यूट्रलाइज करते हैं, लाइटन अप करते हैं और फिर आपकी स्किन बिल्कुल रेडियंट ग्लो देती है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 अच्छी है और इसका टेक्स्चर बिल्कुल वेल्वेटी सा इसका टेक्स्चर है, मतलब क्विकली स्प्रेड हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर. इसकी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ही इनफ होती है और इसका वेल्वेटी टेक्सचर क्विकली स्प्रेड होकर परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है आपके कम्प्लेक्शन के साथ. ये बिल्कुल मैच करने लगती है और लगता ही नहीं है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की हुई है. मतलब इतनी लाइट वेट है, बिल्कुल नॉन ग्रेसी, नॉन स्टिकी, किसी किस्म का कोई चिपचिपापन नहीं है. आपको एक मैट फिनिशिंग आती है, बिल्कुल मैट टच देती है. मतलब समर सीजन के लिए ना ये एक बेहतरीन बीबी क्रीम है. अच्छा, मैंने इसको जब फर्स्ट डे अप्लाई किया था तो क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरी स्किन के ऊपर, मतलब देखने में ड्राइनेस नहीं लगती थी लेकिन फील करने में मुझे लगता था कि मेरी स्किन थोड़ा सा ड्राई फील कर रही है. तो फिर मैंने क्या किया,
बीबी क्रीम अप्लाई करने से पहले मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल अपने फेस के ऊपर अप्लाई की, तो जो मुझे थोड़ी सी ड्राईनेस फील हो रही थी वो भी खत्म हो गई। अच्छा, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, कोई डे क्रीम यूज़ करते हो, तो आप इस बीबी क्रीम को अपनी डे क्रीम या मॉइस्चराइजर के साथ भी ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बाहर जाना है, आप सनब्लॉक अप्लाई करना चाहते हो, तो आप सनब्लॉक के अंदर भी इसको ऐड करके अप्लाई कर सकते हो, आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने इन तीनों तरीकों के साथ इस बीबी क्रीम को यूज़ किया है और तीनों तरीकों के साथ ही ये सुपर इफेक्टिव ही रही है, मतलब इसके अच्छे रिजल्ट्स ही मिले हैं मुझे। अच्छा, ये बिल्कुल आपको मैट फिनिशिंग देती है, तो समर सीजन के लिए ये बीबी क्रीम बहुत ही बेस्ट होगी, परफेक्ट होगी। बीबी क्रीम की एक और बहुत अच्छी बात है और वो ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब मैं इसको सुबह के टाइम अगर अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ और शाम के टाइम रिमूव करती हूँ, तब तक भी ये मेरे स्किन के ऊपर लगी रहती है। वैसे ये क्लेम करते हैं कि ये 48 घंटे की कवरेज देते हैं, लेकिन इतनी देर तक तो खैर कोई अप्लाई नहीं करता, लेकिन सुबह से रात तक ये स्किन के ऊपर टिकी रहती है। इसको अप्लाई करने के बाद आपके जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स जो होते हैं, वो काफ़ी हद तक छुप जाते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स काफ़ी हद तक छुप जाते हैं। इसको अप्लाई करते ही आपका कम्प्लेक्शन बहुत ही ब्राइटर नज़र आता है, आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो आ जाता है, आप बहुत ही ज्यादा फ्रेश लुक देने लगते हो। मतलब हर हिसाब से ये बीबी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक मुझे तो कोई नजर नहीं आया। मेवलिन कॉस्मेटिक्स वाले ये भी क्लेम करते हैं कि इस बीबी क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपका बेबी फेस हो जाता है, बेबी स्किन हो जाती है। खैर, अब बेबी फेस होने से तो रहा, लेकिन आपको आइडियली सॉफ्ट और स्मूथ स्किन का इफेक्ट ज़रूर मिलता है। तो जनाब, अगर मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ।